हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय न्यू होम। ये सबसे मोस्ट अवेटिंग वीडियो था सबके लिए और बहुत सारा इसका रिक्वेस्ट था कि ये वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने आप सबके लिए ये वीडियो बनाया है। ये मेरा एक रेंटेड न्यू होम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे मेरी फेवरेट जगह पर, वो है किचन। तो किचन से पहले एक छोटा सा ऐसा एक स्पेस था जिसमें ये कैबिनेट्स बनाया है और ये कैबिनेट्स इतने बड़े हैं जिसमें सारी चीज़ें आराम से फिट हो सकती है। तो चलिए किचन में, तो किचन में भी उसी तरह से कैबिनेट्स बनाए हैं और ये है पूरा किचन। और किचन में आप बहुत सारी जगह पर आप सामान फिट कर सकते हैं, उस तरह से एकदम बहुत ही अच्छा कैबिनेट्स दिए हैं। और यहाँ पर मैं चूल्हा सेट करूँगी जब आ जाएगा सामान। और ये है बालकनी छोटी सी जो किचन को अटैच है, तो यहाँ से ये व्यू दिखता है, सारे बिल्डिंग्स हैं। और ये है नीचे का एरिया जहाँ पे प्ले एरिया है, जहाँ पे मैं इस बालकनी से अपने बच्चों को कभी भी देख सकती हूँ खेलते हुए। और सॉरी ये कपड़े यहाँ सुखाए क्योंकि मेरा जो स्टैंड है कपड़ों का, तो वो अब लगेज में है ट्रांजिट में, तो वो नहीं है मेरे साथ अब। तो हम सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम में जाएंगे जहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत सा बेडरूम है। एक नॉर्मल साइज़ का बेडरूम है जिसमें ये वार्डरोब दिया हुआ है, बहुत ह्यूज वार्डरोब है, उसमें बहुत सारे कपड़े वगैरह आ सकते हैं। तो ये है एक अटैच बाथरूम इसको, और ये है एक बेडरूम। तो हम चलते हैं नेक्स्ट रूम की ओर जो है लिविंग रूम, ड्राइंग रूम। तो ये काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम है और बहुत ही ज़्यादा एरी और बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइट ज़्यादा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुला खुला सा लग रहा है। अभी सामान फ़िलहाल है नहीं। और ये है छोटा सा एक क्रॉकरी कैबिनेट जिसमें मैं ऊपर यहाँ पर टीवी लगाने वाली हूँ। ये है बालकनी के लिए एक स्लाइडिंग और डोर भी दिया हुआ है उसके साथ, तो अनन्या यहाँ पर खेल रही थी। और ये है ब्यूटीफुल सा व्यू जो मेरे बालकनी से दिखाई देता है और रात में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है, जो आपको वीडियो के एंड में दिखाई देगा। तो ये है यहाँ पे बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल के ये सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए ये ग्राउंड बनाया गया है पूरी तरह से। तो ये उसमें अनन्या आरुष कभी खेलेंगे आगे, तो यहाँ से मुझे मैं आराम से उनको देख पाऊँगी। तो ये है बहुत बड़ा एक टाउनशिप जो बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छा डेवलप हुआ है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट रूम में हम चलते हैं। तो ये है मेरी अच्छी सी बालकनी, उसके बाद ये है किड्स बेडरूम, उसको भी वॉशरूम अटैच है। तो उसके बाद ये बालकनी नहीं है, यहाँ पर एक छोटा सा विंडो दिया हुआ है और इसमें भी वार्डरोब्स है। फ़िलहाल तो हम लोग ने बेड जो है अभी रेंटेड लिया हुआ है क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं, ज़मीन पर तो नहीं सो सकते, इसलिए हमने रेंटेड मैट्रेसेस भी लिए थे। तो उसी तरह से कबर्ड्स भी काफ़ी स्पेशियस है बच्चों के लिए और बहुत सारी चीज़ें इसमें आराम से आप रख सकते हैं, सब फिक्स कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट रूम है मास्टर बेडरूम। तो ये है मेरा मास्टर बेडरूम, फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा मेसी है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस। और ये है उसमें भी अटैच बाथरूम, तो सारे तीनों बेडरूम्स भी अटैच्ड है। और ये है एक विंडो जहाँ से फिर से वही चीज़ दिखती है जो किचन से मैंने आपको दिखाई थी। तो ये है मेरा खूबसूरत सा व्यू और रात में बहुत ज़्यादा कमाल का दिखता है। वेलकम बैक टू माई चैनल अमृताज किचन एंड ब्लॉग। तो अमृताज किचन इस बार थोड़ा नया है क्योंकि हम लोग कहीं और शिफ्ट हुए हैं। सो दिस इज़ माई लवली किचन। अभी बहुत सामान सब सेट होना बाकी है, हमारा सामान जो है अभी भी है ट्रांजिट में, तो वो आने के बाद सब सामान जो है सब जगह पर लगना ज़रूरी है। तो अब मैंने आपको घर दिखाई दिया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये घर आपको कैसे लगा। और बहुत ही अच्छा और स्पेशियस घर है। फिलहाल तो हमने जितना जुगाड़ करना था दो तीन दिन जब तक सामान नहीं आता, तो वो हमने कर लिया है। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स जो है नीचे, तो उसमें ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा प्यारा सा घर, नया घर कैसा लगा। होप यू हैव लाइक्ड एंड लव दिस होम, क्योंकि इसका जो नज़ारा है बाहर मैंने आपको दिखाया ही था, तो वो आपको अच्छा लगा ही होगा। सो मेरे आगे के वीडियोज़ जितने भी आप देखोगे तो इसी घर के होंगे। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये घर कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। बाय।